जम्मू कश्मीर में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए मेजर अनुज राजपूत का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पंचकुला सेक्टर 20 लाया गया, जहां इनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इसी मौके पर आर्मी से कई वरिष्ठ अधिकारी व हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी यहां मौजूद रहे। दुख का विषय है कि हमारे बीच से पंचकुला का एक लाल, जिसने अपनी जवानी देश के नाम अर्पित कर दी, 27 वर्ष की आयु में शहीद हो गया, जिसका पालन पोषण, जिसका पढ़ाई लिखाई पूरी पंचकुला में हुई और पंचकुला की धरती से उपजा ऐसा लाल हमारे बीच में से चला गया। कोई शब्द नहीं है कि कैसे उस दुख को व्यक्त कर सकें। और उन माता पिता को जिन्होंने अकेला अपना बेटा देश को सौंप दिया, देश की माटी को सौंप दिया और वो बेटा चला गया, उनके मन के ऊपर क्या गुजरती। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ऐसे बेटों पर, ऐसे अपने युवाओं पर, ऐसे हमारे जवानों पर हमें गर्व है। और आज एक बेटा गया है, माँ बाप, माँ का, बाप का, भाई का गया है, बहनों का, देश का एक ऐसा सपूत, देश की जो रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए जिसने लड़ने का संकल्प लिया और देश की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गया। उसके चरणों में अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उसको शांति दे, उसको अपने चरणों में स्थान दे और वो परिवार जिनका एक लाल 27 वर्ष की आयु में, जिसकी अभी सगाई हुई थी 10-15 दिन पहले और जो प्रमोशन हुई थी एक मेजर अनुज राजपूत के रूप में, वो मेजर हमारे से बीच में से चला गया, हमारा बेटा चला गया, अनुज चला गया, बहुत बड़ा दुख है पूरे पंचकुला वासियों को। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।